नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। ये रोड आप देख लीजिए, इसी रोड से आनंदीबेन पटेल जी को आना है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया है। आप ये रोड देख रहे हैं, बस्ती डुमरियागंज मार्ग का है, और चूंकि यहीं से उनको टर्न होना है और यहाँ से वो आएंगी और शायद यहीं से उनको टर्न होना है। आप यहाँ तक की साफ सफाई आप लोगों को नजर आ जाएगी। आगे भी चल के थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, यहाँ से 10 कदम भी आगे आप जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि साफ सफाई का एक्चुअल व्यवस्था क्या है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, शायद ये लोग भी साफ सफाई कर्मचारी ही होंगे जो साफ सफाई करने के लिए यहाँ पे आए हुए और एकत्रित हुए हैं। चूंकि यहाँ पे लोग हैं तो इन लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि एक्चुअल बात क्या है और हो क्या रहा है यहाँ पे, और बाद में आपको वो भी दिखाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पूरी बातें आप लोगों को बताएंगे हम। लेकिन फिलहाल इन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे किस लिए आए हैं और क्या काम है यहाँ पे आप लोग। यहाँ पर माननीय, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश चंद यादव है। मुकेश चंद यादव जी, कहाँ से? हम हैं विक्रमजोत ब्लॉक से। अच्छा, विक्रमजोत ब्लॉक से आप लोग हैं? यहाँ जितने लोग हैं सब विक्रमजोत के हैं क्या? यहाँ पे अभी अरे एक मिनट बॉस, हम कह रहे हैं यहाँ पे जितने लोग हैं ये दो ब्लॉक के लोग हैं? तीन चार ब्लॉक के लोग। अभी यहाँ जितने उपस्थित है दिखाओ भाई, सबको दिखा दो। रामनगर ब्लॉक है, यहाँ सारे लोग रामनगर के हैं। आप रामनगर के नहीं है? चलिए, रामनगर वाले आप हैं, दिखाइए इनको भाई साहब। रामनगर से हैं आप, सफाई कर्मचारी हैं? सफाई कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? राघव प्रसाद। राघव प्रसाद जी, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या काम आ गया? यहाँ पे विभाग की तरफ से हम लोगों को लगाया गया है साफ सफाई के लिए। माननीय जो आदरणीय हमारे राज्यपाल जी कल आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम के दौरान साफ सफाई हुई तो हमको यहाँ पे लगा। एक्चुअल आप लोगों का काम साफ सफाई का कहाँ पे है? एक्चुअल जो रास्ते हमारे गए हैं झाड़ियों की कटाई, झाड़ियों की कटाई, गड्ढों की भराई इत्यादि जो भी काम यहाँ थे सारे कर्मचारियों ने हमारे पूरे कर लिए। ये आप लोगों को किसने बोला कि आप लोग जाइए और पीडब्ल्यूडी वाले रोड को साफ कीजिए? चलिए, पीडब्ल्यूडी की सफाई नहीं किए हैं हम लोग, जो है जो मेन मेन जगह बताया गया था। जगह कौन आपको बता दिया कि चलिए यही साफ करना है? विभाग द्वारा जो बताया गया है। विभाग में कौन आपको बता दिया? एडीओ साहब बता दिए, बीडीओ साहब बता दिए, या आप लोग खुद ही चले आए कि चलिए समाज सेवा कुछ कर लेते हैं? हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे फिलहाल। अच्छा, हम लोग ग्राम पंचायतों की साफ सफाई के लिए हम लोग को लगाया गया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मनौरी से लेके और यहीं तक, सिर्फ यहीं तक ये साफ सफाई रोड के दोनों साइड हो रही है, जो कि पीडब्ल्यूडी का रोड है। और जैसा कि हमको पता चला है कि चार ब्लॉक के सफाई कर्मचारी टोटल आ गए हैं यहीं पे, किसी ग्राम सभा में सफाई कर्मचारी नहीं है, वो भी 4 से 6 दिन पहले से। आज 3 तारीख है, 27 के पहले से यहाँ पे सारे लोगों को लगा दिया। यहाँ पे लदवा ग्राम पंचायत के साफ सफाई हेतु लगाई गई है, ना कि पीडब्ल्यूडी के लिए लगाई गई है। जो भी अधिकारियों का दिशा निर्देश उनको प्राप्त हुआ है। कौन से अधिकारी थे, नाम वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आपको कौन अधिकारी बताए हैं कि जाइए आप लदवा को साफ कीजिए, जाइए आप पीडब्ल्यूडी वाले रोड को दोनों साइड साफ कीजिए? किसने बताया? उच्च अधिकारियों, महोदय उच्च अधिकारी का नाम तो होगा, किसी का नाम नहीं पता है। लेकिन बना हम लोग जानते हैं, मतलब आपको कोई निर्देशित किया? एडीओ साहब कौन है? हम लोग तब लोग एडीओ साहब है नहीं यहाँ पे, यही कहीं गए हैं डीपीआरओ साहब के साथ में। डीपीआरओ साहब के साथ में एडीओ साहब यहाँ नहीं है अभी? नहीं। आप कौन है? इसी गाँव के? दिखाओ भाई, आपको दिखा दो। क्या नाम है आपका? जी शिव कुमार लाल जी, आप यहाँ पे क्या क्या चीज है? हम कुछ नहीं है यहाँ, वैसे उठा तो बैठ गया है, पानी पिए बैठ गए। मतलब किस गांव के हैं आप? के बगल में वो अरे आपका गांव, गजब बात है भाई। वो नहीं, आपने अपने गांव का नाम नहीं बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ना भाई। अच्छा, आप बुलाए? अरे तो ठीक है, उन्हीं को बोल लेने दीजिए। देहीपार के रहने वाले हैं क्या आप? देहीपार के रहने वाले हैं? चलिए, देहीपार के एक ग्राम सभा का किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए, अपने ग्राम सभा में किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो दे ही पार का। हम आए थे मिलने, बुलाए तो फिर हम यहीं तब निकल जाएंगे बाहर। चलिए आप ही बता दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा जी, हमारा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, आप किस ब्लॉक के, आप भी सफाई कर्मचारी हैं?
किस ब्लॉक के? रामनगर के। रामनगर के, तो रामनगर वाले यहाँ पे किस लिए है? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मैं मुझे पता चले आपको किसने बोला कि जाके आप लेदवा की साफ सफाई कीजिए, आप जाके PWD की साफ सफाई कीजिए, ये आपके अध्यक्ष जी हैं, आप नहीं बताएंगे? PWD के लिए हमको नहीं लगाया गया, मतलब यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मचारी है किसी को पता है कि किसने आप लोगों को लगाया यहाँ पे? उच्च अधिकारी, आप अध्यक्ष हैं जी, सफाई कर्मचारियों के आप अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष महोदय जब आपको बुला के निर्देशित कोई किया होगा, कोई अधिकारी रहा होगा, चाहे ADO साहब किए हो या BDO साहब किए हो या जिला अधिकारी महोदय किए हो, किसी ने तो बताया होगा कि जाइए आप लोग साफ सफाई कीजिए यहाँ से लेके वहाँ तक। सर वार्ड साहब के माध्यम से अधिकारियों का हमेशा चलता रहता है। एक का नाम हमको बता दीजिए, मैं उसको जानना चाहता हूँ कि वो आप लोग लिखे नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि लदवा ग्राम पंचायत में साफ सफाई के लिए ग्राम पंचायत जो स्थल है, ये जो साफ सफाई कर्मचारी यहाँ से लेके और मनोरी तक लगे हुए, ये सब कहाँ के बारे में हमको नहीं जानकारी है? आप ही के ब्लॉक के रामनगर के मैं बात करके आ रहा हूँ, वो PWD पे काम कर रहे हैं, वो है कौन? नहीं, हमारे यहाँ के कोई भी कर्मचारी PWD में काम नहीं कर रहे। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा ही बात की है कि मैं रामनगर का हूँ, फला मेरा नाम है, फला हमको लगाया है, हमको जानकारी, और आप अध्यक्ष हैं, आपको पता ही नहीं है? पर हमको नहीं जानकारी वहाँ पे कौन लगाया, हमको जानकारी लदवा ग्राम पंचायत में हम लोग को लगाया गया था, ग्राम पंचायत में साफ सफाई की थी। देखिए किसको छुपाना चाह रहे हो, किसको ना बताना चाह रहे हो? आप अध्यक्ष सुनिए, आप अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर आपके ग्राम आपके जो ब्लॉक है रामनगर में कितने सफाई कर्मचारी हैं? 172 सफाई कर्मचारी के आप अध्यक्ष हैं, उनके आप एक तरीके से कह लें गार्जियन हैं, और गार्जियन अगर इस तरह से होगा कि वो अपनी बात सही से नहीं रख पाएगा, देखिए माध्यम होता है, सुनिए माध्यम एक होता है, जैसे हम लोग हैं मीडिया से एक माध्यम है कि हम उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे, जिस ग्राम सभा में 172 सफाई कर्मचारी नहीं जाएंगे जिस ब्लॉक में, उस ब्लॉक का क्या असर होगा, क्या हालात होंगे उस ग्राम सभा के, आपको पता होना चाहिए। सही है सर, लेकिन जब भी कोई अधिकारी क्यों जब अधिकारी आते हैं तो सफाई कर्मचारी को क्यों यहाँ पे बुलाया जाता है, और आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? हम लोग तो विरोध करते हैं, लेकिन किससे विरोध किए हैं आप हमको बताइए कि बारे में? वो उच्च अधिकारी कौन था, हमको नाम बता दीजिए उस व्यक्ति का। अगर PWD में ये PWD वाले अगर पैसा नहीं ले रहे हैं सड़क का, आप लोगों को लगाया जाए, या आप लोग आ गए हैं समाज सेवा करने के लिए, तो आप अपने ग्राम सभा में क्यों नहीं है, हमको सिर्फ बताइए। ये देखिए सुनिए, हमको PWD के लिए नहीं लगाया गया साहब, आपके यहाँ पे PWD में लगे हुए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको नहीं लगता अगर आपकी एक दिन की सैलरी कितनी है? 39,000 कुछ है, 700 कुछ है। एक दिन की कितनी हो गई? ₹1,700-1,800। अगर 17-18 कितना हो गया, चले 1,000 मान लें, छोटा मोटा करके 1,000 मान लें, 172,000 रुपए होते हैं महीने के, और आप जैसे चार ब्लॉक के यहाँ सफाई कर्मचारी इकट्ठा होके अगर कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि लाखों करोड़ों का घोटाला है कि नहीं है, अगर इसको मान लें तो है कि नहीं है? इस संबंध में तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई साहब, आप लोगों को कहना चाहिए, चूंकि देखिए आप लोग अगर आप लोग आवाज उठाते नहीं है, जहां मर्जी आपको धक्का दे के बैठा दिया जाता है, आप वहां चले जाते हो, आप अगर अध्यक्ष हो तो आपको बोलना चाहिए, अगर 172 लोगों का आपके ऊपर जिम्मेदारी है और आप ही नहीं बोलोगे, इसका मतलब आप भी कहीं ना सम्मिलित हैं। नहीं नहीं, आप ही सम्मिलित हैं उसमें। उत्पीड़न कभी उच्च अधिकारी द्वारा किया नहीं गया भाई साहब, उच्च रही बात, अगर आप खुशी आए हैं यहाँ पे, खुशी आए हैं बिल्कुल हम लोग, और आपकी ड्यूटी ADO लगाते हैं, ADO कहाँ पे हम लोग सर, खुशी हर जगह कार्य करते हैं, क्योंकि ADO का नंबर दीजिए हमको आप अपना, सफाई कर्मी का कार्य है, ADO का नंबर दीजिए आप, सफाई कर्मी का कार्य है कार्य करना, सफाई कर्मचारी का काम है जहाँ पे उसकी तैनाती है, जहाँ पे उसकी ड्यूटी है वहाँ काम करना। सुनिए अध्यक्ष महोदय, अगर किसी गांव में आपकी ड्यूटी लगी है और उस गांव में आप नहीं मिले टाइम टू टाइम ना, तो आपको नौकरी से निकाल के फेंक दिया जाएगा। अधिकारी के निर्देशों पे काम होता है, वो उच्च अधिकारी का नाम ही तो जानना चाहता हूँ कि कौन सा उच्च अधिकारी थे जो यहाँ पे आप लोगों को लगा दिए कि जाइए यहाँ से वहाँ तक रोड साफ कीजिए, जाइए लेदवा साफ कीजिए। अगर उनको बुलाना है, चाहे मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, या राज्यपाल महोदया को, या राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, अगर उनके पास ये क्षमता नहीं है, उनके अपने जो भी उनका अपना चाहे सिस्टम है, नेटवर्क है, प्रशासन है, शासन है, अगर उनकी क्षमता नहीं है किसी को बुलाने की, ना बुलाया जाए, लेकिन कम से कम इतने लोगों को परेशान ना किया जाए। जो 172 अगर एक कर्मचारी एक गाँव में लगे हैं, तो 172 गाँव आपके खाली पड़े हुए हैं।
वहाँ पे जो दुर्व्यवस्था होगी शायद आप लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। और चूंकि कहीं ना कहीं संलिप्तता अध्यक्ष महोदय आपकी भी लगती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इतने सारे लोगों को उठा के आप यहाँ बैठा देंगे तो वहाँ पे जैसे आज आप अधिकारी का साथ दे रहे हैं, कल आपका अधिकारी साथ देगा तो गांव वाले परेशान हुए। नहीं सर, हमारे जिसके लिए आप लगे हुए हैं, जिसके लिए अधिकारी बैठाया गया, हमारे कर्मचारी यहाँ पे करते हैं, हमारे कर्मचारी सुबह जाके गांव में आज काम किए हैं अपना विद्यालय पे काम करके, उसके बाद यहाँ यहाँ पे आए हमारे कर्मचारी सारे। आपकी ड्यूटी कितने बजे तक की लगती है ग्राम सभा में आपको बता रहे हैं आप कितने? आज जब कितने बजे से कितने बजे तक की लगती है? 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। आप रजिस्टर जो लगाते हैं साइन करते हैं वो वहाँ साइन करके है नहीं किए ये 7 दिनों का? हमारे सारे कर्मचारी साइन करके आए हैं। साइन करके आए मतलब साइन वहाँ करेंगे, ड्यूटी यहाँ करेंगे? सर तो हमेशा लगता रहता है जब भी। गलत है, अगर देखिए मैं कह रहा हूँ चाहे ये अध्यक्ष महोदय किसी के दबाव में हो रामनगर हमको नहीं पता है, ये जैसा कि बताना भी नहीं चाह रहे। मैं कोशिश कर रहा था कि ये कुछ बोले लेकिन ये बोलना भी नहीं चाह रहे। मैं अपने भी माध्यम से और लोगों के भी माध्यम से ये बताना चाहता हूं सरकार को, जिस तरीके से ये निचले स्तर पर निचले पावदान से अगर इतने तगड़े तरीके से भ्रष्टाचार होता है तो कहीं ये पूरा क्वेश्चन मार्क लगना सरकार पे भी लाजमी है। और जो यहाँ का प्रशासन या शासन दोनों है, चाहे यहाँ के सांसद महोदय हो, यहाँ के लोकल विधायक महोदय हो, या यहाँ के DPRO हो, या यहाँ के जिला अधिकारी महोदय या महोदया हो, या ब्लॉक स्तर के महोदय महोदया हो, मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि 4 ब्लॉक के अगर सफाई कर्मचारी सारे अगर इस रोड पे आके लगे हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान ग्राम सभाओं का हो रहा है जहाँ पे ये केवल साइन करके और यहाँ पे आके ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग ज्यादा समझदार हैं और इस सारी चीजों को आप लोग थोड़ा अध्ययन कीजिए। और जब निचले स्तर से आवाज उठती नहीं है इसीलिए आप लोगों को दबाया जाता है। जैसे ये 4th ग्रेड के सफाई कर्मचारी है, ये यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं ये किसी ना किसी के दबाव में ही काम कर रहे होंगे, इतना कहने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर अधिकारी इस तरीके से बहुत ही निरंकुशता से साथ देता है इन लोगों का और इन लोगों के पे दबाव बना के ऐसा काम करवाता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर एक यहाँ पे राज्यपाल महोदया सिर्फ अकेले आ रही है वहां पे, उनके स्वागत के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं जबकि इतने लोगों को ग्राम सभाओं में ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और अगर इसी तरीके से वाकई में काम किया जाए जमीनी स्तर पे तो ये नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि PWD विभाग अपना काम नहीं करता है। जितने भी जो भी अधिकारी हैं अपना काम अगर ईमानदारी से करें तो इन लोगों की इतने इकट्ठा जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग इसको समझ सकते हैं। अभी आप लोग बताएंगे हमको कि एक्चुअल क्या है, या भ्रष्टाचार कम है, या जिस तरीके से मंचों पे खड़े होके चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, बोलते रहते हैं कि हमारी सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो जीरो टॉलरेंस कहाँ पे है हमको भी बताइएगा आप लोग। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ TV, मैं अमर मणि मिश्रा।